क्या नाम है इसका? रियांशी वर्मा। आपका? शांति वर्मा। ये बच्ची मेरी जानी पहचानी लग रही है, कौन है ये? बोलो कौन है ये बच्ची, इसको क्या होता है बताओ? इसके दर्द होता था जगह जगह, इसको डॉक्टर ने साइको बोल दिए थे, बोल दे माइंड गेम खेल रही है, माइंड गेम खेल रही है, साइको है। दो दिन भर्ती किया था, दर्द नहीं कम हुआ। और पैसे कितने लिए थे? 1.5 लाख रुपए। दो दिन में? नहीं नहीं, 24,000 दी थी। इलाज में 1 साल से करवा रही थी, इलाज 1 साल से करा रही थी देखो। और 1.5 लाख रुपए डॉक्टरों को दे चुकी थी, और डॉक्टर बच्ची को फिर भी क्या कह रहे थे? माइंड गेम खेल रही है, साइको है तुम्हारी बच्ची, ये कह रहे। एक दिन का भी आराम नहीं। माँ पे क्या जोर पड़ता है? उस माँ की छाती फटफट आती है जिसकी बच्ची के लिए डॉक्टर ऐसा कहते हैं, और बच्ची को रात के टाइम में दर्द उठता है तब लेके भागती है। दो दिन कमीना पैसे भी लेता है और कमीना धता भी बताता है। तेरे की क्या डॉक्टर है ये? कौन जालिम है ये? जालिम बैठे है समाज के, जालिम है। इसको भी सेम बताया, ऑपरेशन बता दिया इसको भी, माइनर अटैक बता। क्या है चीज का? हार्ट अटैक। कोई इतनी उम्र में हार्ट अटैक कौन कह रहा है? निकम्मेपन की हद है। अरे यहाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें हार्ट अटैक क्या होता है। यहाँ देख लो सारे डॉक्टरों आ जाओ, तुम कहाँ से डिग्रियां लेके आए? तुम्हारी सारी डिग्रियां फैल है मनु भैया के सामने। एक अकेले मनु भैया पूरे दिन में इतने ऑपरेशन करते हैं, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए तुम्हें। ऐसी ऐसी बच्ची को साइको बताते हो और माइंड गेम खेलने वाली बताते हो, ठीक है ना ये? आप तो बिल्कुल नहीं कहती। घर के परिवार के एक एक सदस्य ने पूछा कहीं दर्द हो रहा है, बोला अब नहीं होता, बताओ। अरे जिसको दर्द होता है वो तो बताता ही है। मैंने इस बच्ची को उस दिन चोटी काट के बताई थी कि कहा आंख बंद करा के, तब इसने तुरंत बता दिया ना। तो फिर क्या साइको गेम खेल रही है? मतलब डॉक्टर अपने से बुद्धिमान किसी को मानता नहीं है? दवाई भी नहीं खाती है, गोली नहीं खाती, पूरे एक हफ्ते से आ रही है। अरे सरकार की कमी है, 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है डॉक्टर बनने में, और फिर उसे 1 करोड़ को ये जनता से ऐसे असूल करते हैं, 1 करोड़ के 100 करोड़ असूल करते हैं। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसके 50-60 एकड़ भूमि ना हो, आए ना समझ में। इन्होंने धीरे 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 सारी सल्तनत को अपना कर लिया है, सारा डॉक्टरों के, और कहाँ कहाँ जा रहा है। चिकित्सा विभाग में जितना पैसा जाता है इतना कहीं नहीं जाता आदमी का। हर चीज पे इनको मिलता है, टेस्टों में इनको मिलता है, दवाइयों पे इनको मिलता है, हर चीज पे मिलता है, और पर्ची पे इनको मिलता है। कर लो क्या करोगे, और अलग अलग हॉस्पिटलों में बैठते हैं, वहां जाके इनको मिलता है, और फीस लेते हैं, पैसे लेते हैं, और धता बताते हैं तुम्हें। सारे समाज की ऐसी कर दी सारे लोगों की पूरे दिन में। अरे ऐसे ऐसे केस देखने में आते हैं, छाती फटे भगवान। तेरी लड़की अब ठीक है? पूछिए, कमर में दर्द तो नहीं है? जी जी अंदर जाप करवा रही है अंदर। ऑपरेशन बताया था ना उसका? हाँ जी। अब तो नहीं कराएगा? नहीं कराएगा। पता चल गया ना ऑपरेशन की जगह क्या बैठा है। सही बात है। अब देख लिया डॉक्टरों में और मनु भैया में क्या अंतर है? बहुत फर्क है। डॉक्टरों के जाएगा, मनु भैया के आएगा। दवाइयां खानी बंद कर दो, मान जाओ मेरी बात, एक पैरासीटामोल के अलावा दवाई मत खाना, और उसमें भी अगर तुम्हें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिले तो वही खाओ। बाम लगाओ बाम, केवल कुछ नहीं है। एलोपैथी की दवाइयां तुम्हारी नाड़ियां फाड़ देंगी, नसें फुला देंगी, और तुम्हारे सारे टिश्यूज को फैला देंगी, तुम मोटे मोटे हो जाओगे। हमारे पास एक छोटा बच्चा आता है, पतला सा था, इतना मोटा हो गया 50-100 किलो का। हाँ गए दवाइयां खा खा के। अरे मैंने जाड़ के दर्द की दवाई ली, मेरा पेट मोटा हो गया। रोजाना कितनी महिलाएं आती है जिनसे मैं पूछता हूँ दवाई खा के मोटी हो गई है कि नहीं? बच्ची को क्या बताया इसको? अभी कहाँ घबराहट हो रही है बता? हो रही है अभी? इंजेक्शन दिए उन्होंने। क्यों नहीं हो रही? फिर इसलिए नहीं हो रही, तुझे कोई अटैक नहीं पड़ा है, केवल प्रेत का तत्व घबराहट पैदा करता है। हाँ जोर, हाँ जोर बोल। हे शनिदेव महाराज, जो मुझे घबराहट पैदा करता है, मुझे फिर से वही घबराहट करके दिखाओ, उसी तत्व को पकड़ कर लेकर आओ, मेरे हृदय पे बैठाओ, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे प्रेतादिकों से ये दोष है या ऐसे ही ये दोष डॉक्टरों का रोग है। बोलो जय शनिदेव। डॉक्टरों के बस की कुछ नहीं, हम करेंगे, मनु भैया करेंगे। टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। हेलो, टेंशन ना लेना जब तक मैं जिंदा हूँ। बोलो शनिदेव महाराज की। 45 साल में तो बाल बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए। बोले आप लाखों वर्ष की हो। आंखें बंद करो, इसको भी पागल खाने में भेज देते हो। और 1 साल बाद डॉक्टरों का क्या है? डॉक्टरों क्या है? एक महीने तक तू यहाँ बैठी है बहन जी, क्या देख रही है तू? मेरे को ये बता दे, आज आज तूने दुनिया का क्या अद्भुत नजारा देखा इस शनिवार को शिवरात्रि पर? सच्चाई देखी भैया।
ये नहीं देखा तूने कि डॉक्टरों ने कितनों को ऑपरेशन बता रखे बिना बात के, पागली बना रहे हैं और पैसे लेते हैं अलग। मैंने तो इसी से देख लिया था पहले दिन से ही, क्योंकि ये बिल्कुल ही खत्म थी। क्या काम हुई? घबराहट घबराहट हुई, घबराहट हो गई, वही हृदय पे प्रेत की घबराहट है। किसी डॉक्टर के बाप के बस की बात नहीं है, औकात नहीं है उसकी। इस जन्म में नहीं, 100-100 जन्म ले लेगा तब भी औकात नहीं है उसकी कि क्या कहते हैं इस बच्ची का इलाज कर दे, इसकी घबराहट को दूर कर दे। सारा देश खोखला कर दिया इन डॉक्टरों ने। होता शरीर में प्रेत है, हजार हजार प्रकार के रोग देता है, और हमारे लोग कहते हैं प्रेत तो कुछ होता ही नहीं है। अरे भाई तुम्हें रूप थोड़े दिखाने आया है, वो तो इतना सा सूक्ष्म सा बिंदु है, वो जहाँ बैठेगा वहीं दर्द करेगा, वहीं घबराहट करेगा। इस माँ के आंसू, और इस माँ के आंसू कौन पूछेगा मुझे ये बता दो। इन्होंने डॉक्टरों ने इन बच्चों के ऑपरेशन कर देने थे, कैसे? अभी अभी आपने देखा 2 ऑपरेशन अभी अभी, और पूरे दिन में कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल के तहत करते हैं। मनु भैया खा गए ये देश को एलोपैथी की चिकित्सा, कहा गया WHO जो कहता है कि मैं देश की रक्षा करता हूँ, देश की सुरक्षा करता हूँ दवाइयों के माध्यम से और स्वास्थ्य के माध्यम से। स्वास्थ्य तो खराब और कर दिया भारत के नागरिकों, तुम्हारा वो भारतवंशियों, तुम्हारा स्वास्थ्य खा गए डॉक्टर एलोपैथी लाके। अपने आयुर्वेद पे आ जाओ, अपने आयुर्वेद पे आ जाओ। ऐसे ही घूमो नंगे पैर सवेरे सवेरे, उठ को घास पे, कुछ नहीं रखा है इसमें, कहीं का नहीं छोड़ा भारतवर्ष को। सारे बच्चों के डिप्रेशन कर दिया यहाँ के, यहाँ का सबसे मजबूत दिमाग है भारत का, और सबके जो ऋषि मुनि बनने वाले थे, सारे बच्चों को जो भगवान की विद्या पाने वाले थे, ब्रह्म विद्या से भूषित होने वाले थे, विभूषित होने वाले थे, उन सारे बच्चों को ग्रसित कर दिया डिप्रेशन से इन डॉक्टरों ने। अपने ही देश का नाश करने पे लग गए, पढ़ के आते हैं विदेश से, कुछ नहीं रखा इनके पास, ये देख लो तुम। एक चीज अच्छी करते हैं तो 1,00,000 चीजें बुरी करते हैं, देख लो समाजवासियों, देख लो तुम इनके उन कुरूप और भद्र चेहरों को जो क्या कहते हैं माता पिता को धता बता रहे हैं और सारा पैसा लूट लूट के ले जा रहे हैं। बोलो सहदेव महाराज की जय। अभी कहां दर्द? कोई घबराहट तुझे नहीं होती, जब भी घबराहट हो मनु भैया मेरी रक्षा करो, उसी टाइम बोल अगर मनु भैया ना आए तो बता देना, इतनी भक्ति तो हमने की है। आए ना, उम्र लगा दी है मैंने भारत की बच्चियों को बचाने में, और देखो ये बचाया है, ये कमाया है मैंने, और वो कह के दिखा दे हमने कुछ कमाया है, कमाया नहीं, वो गवा के आए हैं भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, 1 डिग्री के बदले में और रुपया दे के आए अपने माँ बाप का मोटा मोटा, अब उसको हमारे अंदर से ही छीन रहे हैं, हमारे ही अंगों को काट रहे हैं, हमारे अंगों की तस्करी हो रही है, मानव के अंगों की तस्करी सुनने में आता है, हैं दिल दहल जाता है। कौन कर रहा है भाई? सामान्य आदमी से तो कटे नहीं, कोई डॉक्टर ही होगा, कोई पढ़ा लिखा ही होगा जिसने ये सब सीखा होगा, कोई वही होगा जो दवाइयां बेचता होगा। चलो जाओ बेटा, खुश रहो, रुआ निकल, एक लाइन बनाओ भाई।